ये देखें यहाँ पर कितने सारे वॉलेट्स की वैरायटी है और ये सारे ओरिजिनल लेदर से बने हुए हैं और बहुत ही अलग अलग किस्म के यहाँ पर ये वॉलेट्स जो दस्तियाब हैं। अच्छा, यहाँ पर इनके पास बेल्ट्स की भी वैरायटी है। बेल्ट्स के साथ साथ यहाँ पर ग्लव्स भी रखे हुए हैं जो कि सारा आपके विंटर अटायर में आपके काम आते हैं और डिफरेंट किस्म के ग्लव्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ दुकान का दिखाऊँ तो यहाँ पर इनकी हैट्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सर्दियों का सीज़न जो कि पीक पे है तो मैंने सोचा कि इस बार फिर आपको थोड़ा सा ये पैनोरामा सेंटर जो कि बहुत ही फेमस जगह है लेदर जैकेट्स वगैरह के लिए कराची में, उसका थोड़ा सा आपको आप एक्सप्लोर करवाऊँ। अच्छा, ये रेक्स सेंटर के बिल्कुल सामने ATM मॉल के बिल्कुल बराबर में है, सदर के बीचों बीच, सदर जो कराची का हाट कहते हैं शॉपिंग का, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं जैसे पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको फिर दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जैकेट्स अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या प्राइस रेंजेस हैं, क्योंकि अगर आप लोग सिंथेटिक लेदर की जैकेट्स पे जाते हैं तो वो मुश्किल से आपकी क्या कहते हैं 1-1.5 साल 2 साल में वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल लेदर की जैकेट्स पे जाएंगे तो आपकी कई सालों चल जाती है। और ओरिजिनल लेदर की जैकेट जो है आपको यहाँ पर बहुत वैरायटी में मिल जाएगी और मेरे ख्याल सबसे सस्ती वैरायटी में मिलेगी अगर आप कराची की बात करते हैं। तो अभी मैं वही चल के आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी यहाँ पे वैरायटी अवेलेबल है और क्या पहचान होती है लेदर जैकेट ख़रीदते हुए और आप किस तरीके से सस्ती लेदर जैकेट यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जब आप पैनोरामा सेंटर में आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी, कुछ बिल्कुल मेन रोड के पास हैं, कुछ अंदर बनी हुई है। अच्छा, 2-3 फ्लोर पर मुश्तमिल है ये जो बिल्डिंग है, इस गोदाम में भी बहुत सारे एक्सपोर्ट का माल होता है तो वहाँ पर भी आप चल के देख सकते हैं। लेकिन ये जो मेन शॉप्स हैं ये इनका लिंक ज़्यादातर मेन शॉप्स का लिंक गोदाम वालों से होता है, लेकिन हम ये है कि ऊपर वाली शॉप से पूछेंगे कि इनकी क्या प्राइसेस अवेलेबल हैं, मतलब किस किस प्राइस में अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वैरायटी में अवेलेबल हैं। कुछ सिंगल पीस जैकेट होती हैं, कुछ जो हैं वो क्या कहते हैं अलग अलग पीसेज उनके लगे होते हैं, तो उन दोनों की प्राइस में भी डिफरेंस होता है। तो हम वही चल के देखते हैं कौन कौन से कलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और क्या यहाँ पर लेडीज़ की भी चीज़ें अवेलेबल हैं और बच्चों की भी हैं, तो ये भी जाके मालूम करते हैं। अच्छा, ये मैं एक शॉप में अंदर आया हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत अलग अलग किस्म की यहाँ पर जैकेट्स अवेलेबल हैं। कुछ जो है 1 पीस होती हैं, कुछ अलग अलग पीसेस में होती हैं, तो ये सारी जो इनकी जैकेट्स अवेलेबल हैं इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। अच्छा, ये अगर आप पूरी मार्केट से दूसरी मार्केट से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 2-3 बार यहाँ से शॉपिंग कर चुका हूँ और जब भी यहाँ से शॉपिंग करी है मैंने, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट निकला है और उसका जो है मुझे कोई शिकायत भी नहीं हुई। और ये है कि आप ये देखें जिस तरह आपको स्टाइल पसंद है हर किस्म का स्टाइल अवेलेबल है और इसमें ये देखें कुछ पैचेस वाले भी हैं, कुछ बग़ैर पैचेस वाले भी हैं, कुछ की जिप्स हैं, कुछ में नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी तो नहीं पसंद, मुझे सिंपल वाली पसंद है, तो सिंपल की भी मैं देख रहा हूँ बहुत वैरायटी है और मुझे ब्राउन कलर जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। जो लोगों को ब्लैक भी पसंद होते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली बाइक्स वगैरह पे जब वो बाइक पर बैठते हैं तो वो ब्लैक उनको एक अच्छा ही लुक देता है बाइकर का। और यहाँ पर जो है लेडीज़ की भी वैरायटी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया लेडीज़ की लॉन्ग कोट्स, लेडीज़ की जैकेट्स वगैरह ये भी चीज़ें अवेलेबल हैं अच्छी खासी वैरायटी में। ये देखें यहाँ पर कितने सारे वॉलेट्स की वैरायटी है और ये सारे ओरिजिनल लेदर से बने हुए हैं और बहुत ही अलग अलग किस्म के यहाँ पर ये वॉलेट्स जो हैं दस्तियाब हैं। अच्छा, वैसे तो आजकल सिंथेटिक लेदर के भी जो हैं वो वॉलेट्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट मतलब रीज़नेबल प्राइस में आपको ये ओरिजिनल लेदर के वॉलेट्स मिल जाएंगे, तो यही बेहतर होता है कि ओरिजिनल लेदर पे ही बंदा जाए क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कितने अलग अलग कलर्स हैं और अलग अलग वेराइटी है यहाँ पर अवेलेबल। और इसके साथ अगर हम वैसे प्रेफर अगर करेंगे तो जाहिर बात अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में ये मिल रहा है ओरिजिनल लेदर तो ज़रूर ओरिजिनल लेदर पर जाएं। आप इसकी प्राइस के बारे में मालूम करते हैं कि कितने का मिल रहा है। अच्छा, इनकी प्राइस मैंने पूछी है, इनकी प्राइस जो है 500 रुपये से शुरू होती है और ये तकरीबन 1500 रुपये तक जाती हैं, उससे ऊपर भी चली जाएगी। डिपेंड करता है आप कौन से वॉलेट ख़रीद रहे हैं, उसकी क्या मेक है, जिस तरह अलग अलग किस्म के यहाँ पर वॉलेट्स अवेलेबल हैं। किसी में कुछ ज़्यादा जेबें हैं, किसी में कम है, किसी में वो कार्ड होल्डर वगैरह की जगह है, तो उस हिसाब से फिर ये डिफरेंट है। इसमें आई गेस लेडीज़ के भी हैं, लेडीज़ के लिए भी यहाँ पर क्लचेज़ और लेडीज़ के भी वॉलेट हैं अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पर इनके पास बेल्ट्स की भी वैरायटी है। बेल्ट्स के साथ साथ यहाँ पर ग्लव्स भी रखे हुए हैं जो कि सारा आपके विंटर अटायर में आपके काम आते हैं और डिफरेंट किस्म के ग्लव्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ दुकान का दिखाऊं तो यहाँ पर इनकी हैट्स भी हैं जो कि जैकेट्स के ऊपर लटकाई हुई हैं उन्होंने। डिफरेंट किस्म की हैट्स हैं और कैप्स हैं जो कि आपको विंटर वेयर में आपके काम आ सकती हैं और बहुत ही चीप प्राइसेस में अवेलेबल हैं। वैरायटी है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। यहाँ पर भी देखें बहुत सारी जैकेट्स लटकी हुई हैं, कुछ बच्चों के लिए भी हैं और कुछ स्लीवलेस जैकेट्स हैं। तो ये इतनी यहाँ पर इतनी किस्म की वैरायटी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आप थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की जैकेट उठाएंगे तो हो सकता है प्रोबेबली आपको वो ओरिजिनल लेदर की जैकेट ढाई हज़ार में भी कुछ कर करा के मिल जाए शायद, लेकिन वो फिर आप इससे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। होगा वो भी ओरिजिनल लेदर, लेकिन वो उसमें फ़ाइन फिनिशिंग नहीं होगी। तो वैसे आप यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ इधर तो सारी अच्छी फिनिशिंग की है। ये देखिए लेडीज़ के ओवर कोट भी हैं जो कि बहुत ही अलग अलग कलर्स में है, वैरायटी है इनके पास अच्छी खासी। तो लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे बहुत सामान है, बच्चों के लिए है, मतलब कंप्लीट फैमिली के लिए। अगर आप विंटर अटायर देख रहे हैं, उसके ऑप्शन देख रहे हैं, तो पैनोरामा सेंटर अच्छी जगह है। स्पेशली जो दुकान मैंने यहाँ पर आया हूँ इधर बहुत वेराइटी है। ये देखें, इस तरह की जैकेट भी आपको यहाँ पर आराम से 4,000-5,000 की रेंज में मिल सकती है। शुरू में तो ज़्यादा प्राइस होती है, इसकी प्राइस तकरीबन वो 8-9 हज़ार से शुरू करते हैं या 10 हज़ार से शुरू करते हैं, लेकिन ये कुछ कर करा के अगर आप बारगेनिंग में बहुत अच्छे हैं तो इसकी प्राइस नीचे आ सकती है। तो इस तरह की आप ये देखें बहुत ही प्रीमियम किस्म की जैकेट है। ऊपर यहाँ पे जिप्स भी हैं और लेदर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। ये सिंगल यूनिट मतलब ये वो होती है, वन पीस होती है, तो इसकी थोड़ी सी प्राइस जो है ना ज़्यादा होती है, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें इसका ये कार्ड भी है दुकान का। अगर आप आते हैं तो इस दुकान को सर्च कर लीजिएगा यहाँ पैनोरामा सेंटर में, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी जैकेट्स की। जैसे कि मुझे ये वाली जैकेट बहुत पसंद आई है और मैं इसी को लूँगा, लेकिन इस तरह की और भी बहुत सारी जैकेट्स आपको इधर आराम से ईज़िली मिल जाएंगी।